राजस्थान में बीती देर रात एक दर्दनाक हादसा हुआ। भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे श्रीगंगानगर जिले के राजियासर थाना इलाके में बुधवार देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ। भारतीय सेना की एक जिप्सी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिससे कि जिप्सी में सवार सेना के 3 जवानों की जलने से दर्दनाक मौत हो गई। वहीं 5 अन्य सेना के जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की सूचना मिलने पर राजियासर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को जिप्सी से बाहर निकलवाकर मिलिट्री अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार यह हादसा सूरतगढ़ छत्तरगढ़ रोड पर इंदिरा गांधी नहर की 330 आरडी के पास देर रात करीब 1 बजे हुआ। सेना के जवान सूरतगढ़ में अभ्यास करने आए थे। इस दौरान राजियासर के छत्तरगढ़ के पास सेना की जिप्सी अनियंत्रित होकर गड्ढे में पलट गई। पलटने के बाद जिप्सी में भीषण आग लग गई। हादसे में जिप्सी में सवार सेना के 3 जवानों की मौके पर ही जलने से मौत हो गई। वहीं पर 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल जवानों को सूरतगढ़ के ट्रॉमा अस्पताल में प्राथमिक उपचार देने के बाद मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया। सेना के ये जवान भटिंडा की 47 एडी यूनिट के बताए जा रहे हैं। घटना के बाद आसपास के ग्रामीणों ने किसी तरह से आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक 3 जवान झुलस चुके थे। ग्रामीणों की सूचना पर राजियासर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और 5 गंभीर घायल जवानों को सूरतगढ़ के ट्रॉमा अस्पताल में ले जाया गया। उनके साथ ही 3 मृतक जवानों के पार्थिव शवों को सूरतगढ़ अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद जिप्सी में सवार 3 जवान घायल होकर बेहोश हो गए थे। वो जिप्सी में ही फंस गए थे, इससे वो जिंदा ही झुलस गए। मृतकों में एक सेना का सूबेदार बताया जा रहा है, वहीं पर अन्य 2 सेना के जवान हैं। वहीं पर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर शहीदों के परिजनों के लिए संवेदनाएं प्रकट की हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए आनंद आचार्य की रिपोर्ट।